से खबर, जहां बग्गी खाने में गिरी किराना दुकान के मामले में सियासत तेज हो गई। ये भी आपको बता दें कि 68 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की खुदाई के दौरान किराना दुकान की दीवार ढह गई। इस हादसे में दुकान मालिक सहित दो अन्य मजदूर घायल हो गए। इस घटना को लेकर सियासत गरमा रही है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और ठेकेदार पर कार्रवाई कर घायलों को मुआवजा देने की मांग की। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए ये कहा कि एक साल बाद हमारी सरकार आएगी, मत भूलो सरकार आने पर हम आपका तेल निकाल देंगे। कि तुम्हारी नौकरी कोई 5 वर्ष की नहीं है, गृह मंत्री 5 वर्ष का है, तुम्हारी नौकरी 30 और 35 वर्ष की है। और एक साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुम्हारा तेल निकालने में हमको 2 मिनट भी लगने वाले नहीं है।